आज हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्परजिलस बाय कोनिडिया। आप देख रहे हैं कि मेरा टॉपिक यह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्परजिलस बाय कोनिडिया। एस्परजिलस नामक फंजाई में कोनिडिया के द्वारा कैसे अलैंगिक जनन, कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आइए आज इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। आप इस फिगर को देख रहे होंगे, यह एक एस्परजिलस का हाइफा है। यह एक एस्परजिलस नामक फंजाई का क्या है, हाइफा। इस हाइफा का यह जो कोई सेल है, यह सेल कैसा हो गया, थिक वॉल्ड। क्या हो गया भाई, थिक वॉल्ड। तो इस सेल को हम लोग बोलेंगे क्या, फुट सेल। क्या बोलेंगे, फुट सेल। हमने क्या बोला कि यह जो है एस्परजिलस का हाइफा है, और इस एस्परजिलस के हाइफा का वो सेल जिससे यह एक सीधी ब्रांच निकलेगी, उस सेल को बोलेंगे फुट सेल। क्यों बोलेंगे फुट सेल, इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे क्या निकलेगा, कोनिडियोफोर। और यह कैसी है अन्य सेल की अपेक्षा, थिक वॉल्ड। कैसी है, थिक वॉल्ड। हमने क्या कहा कि एस्परजिलस में हम कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आप देख पा रहे हैं कि यह जो एस्परजिलस के हाइफा, एस्परजिलस का हाइफा है, और एस्परजिलस के हाइफा का ये वही सेल है जिससे एक इरेक्ट क्या निकल रहा है, ब्रांच। और उसी सेल को हम क्या बोलेंगे, फुट सेल। और यह जो फुट सेल है, यह फुट सेल अन्य सेल की अपेक्षा कैसी होगी, थिक वॉल। अब देखो, यह जो है एस्परजिलस नामक हाइफा के किससे, फुट सेल से एक इरेक्ट क्या निकल रहा है, ब्रांच। और इस ब्रांच को हम लोग बोलेंगे क्या, कोनिडियोफोर। और आप देख रहे हैं कि कोनिडियोफोर का यह जो टर्मिनल पार्ट है, या जो टिप पार्ट है, यह क्या कर गया, स्वेल। और जब स्वेल कर गया तो किसका निर्माण किया, वेसिकल का। किसका, वेसिकल। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ वेसिकल का निर्माण हो गया, और वेसिकल पर ही अनेक बोटल शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। और इसी बोटल शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिगमेटा। क्या बोल रहे हैं, और स्ट्रिगमेटा पर ही अनेक यूनिसेलुलर यूनि न्यूक्लिएट किसका निर्माण होगा, जो है किसका निर्माण होगा, कोनिडिया का। और ये देख पा रहे हैं कि यह स्ट्रिगमेटा है, और स्ट्रिगमेटा पर चेन के रूप में क्या, स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। ऐसी प्रत्येक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कोनिडिया। अब जो है एयर करंट के द्वारा या रेनड्रॉप के द्वारा सभी कोनिडिया एक दूसरे से क्या हो गए, अलग। और देख पा रहे हैं कि यह एक कोनिडिया का फिगर आपके सामने है, यह यूनि न्यूक्लिएट है, यूनिसेलुलर है, स्मॉल है। इसकी आउटर लेयर का नाम इजाइन, और इनर लेयर का नाम इंटाइन। अब यही कोनिडिया जो है क्या करेगा, जर्मिनेट। और यही कोनिडिया जर्मिनेट करके देख रहे हैं, इजाइन क्या कर गई, ब्रस्ट। इंटाइन से क्या निकला, क्या निकला, जर्म ट्यूब। आ यही जर्म ट्यूब डेवलप करके एक नए किसका, एक नए हाइफा या माइसिलियम का क्या कर देगा, फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से जो है एस्परजिलस नामक फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसके द्वारा, कोनिडिया के द्वारा। संक्षेप में एक बार और देख लीजिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं एस्परजिलस में कोनिडिया के द्वारा। यह एक कॉमन मेथड है, और जो है बीएससी के बोर्ड एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कोनिडिया के द्वारा एस्परजिलस में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आप यही बताएंगे कि यह जो है एस्परजिलस का हाइफा है, एस्परजिलस के हाइफा का यह एक सेल है जो थिक वॉल्ड हो गई, इसको क्या बोले थे, फुट सेल। फुट सेल से क्या निकला, एक सीधी ब्रांच, जिसको क्या बोले, कोनिडियोफोर। उसका टर्मिनल पार्ट क्या कर गया, स्वेल।
क्या बोल दिए, वेसिकल। वेसिकल से अनेक जो है बोतल के आकार की संरचनाएं निकल रही हैं, जिनको स्ट्रिगमेटा, और स्ट्रिगमेटा पर क्या है, स्ट्रिगमेटा पर एक चेन के रूप में क्या बन रहे हैं, छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं, जिसको क्या बोलेंगे, कोनिडिया। रेनड्रॉप के द्वारा या एयर करेंट के द्वारा सभी कोनिडिया एक दूसरे से क्या हो गए, अलग। और आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कोनिडिया कैसे हैं, यूनिसेलुलर है, यूनिन्यूक्लिएट है, आउटर लेयर का नाम एग्जाइन, इनर लेयर का नाम इंटाइन। और यही कोनिडिया जो है क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन के दौरान क्या होगा, एग्जाइन क्या करेगी, ब्रस्ट, और इंटाइन से क्या निकलेगा, जर्म ट्यूब। आई जर्म ट्यूब डेवलप करके एक नए जो है एस्परजिलस के हाइपा या माइसिलियम का क्या कर देंगे, निर्माण। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कोनिडिया कैसे जर्मिनेट करके एक नए एस्परजिलस के हाइपा या माइसिलियम का निर्माण कर दे रहा है। तो इस प्रकार से आप बता सकेंगे एस्परजिलस में अलैंगिकरण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।